अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एक मिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अमाइनो एसिड्स जनरली क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जनरल फार्मूला उनका हमने ये इधर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स को हम किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। व्हेयर्स, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला मेथड है दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड्स विद अमोनिया। तो हम देखते हैं कि हम अल्फा ब्रोमो एसिड्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और फिर उसे हम किस तरह से अमोनिया से रिएक्ट करवा के अमाइनो एसिड बना सकते हैं। उसके लिए व्यूअर्स हम सपोज करते हैं हमारे पास ये है CH3, CH2, COOH दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, और व्यूअर्स इसको हम रिएक्ट करवाते हैं Br2 के साथ, और जो कैटलिस्ट यहां पे हम यूज कर रहे हैं वो है फॉस्फोरस। तो व्यूअर्स यहां पे रिएक्शन किस तरह से होगा कि एक हाइड्रोजन यहां से इस ब्रोमीन के साथ अटैच होगा और बनाएगा HBr। इसके साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी डेट वुड बी CH3 CH Br COOH, और ये हमारे पास बन गया अल्फा ब्रोमो एसिड। अभी बस नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो हमारे पास अल्फा ब्रोमो एसिड बना है CH3 CH COOH Br, इसको हमने रिएक्ट करवाना है अमोनिया के साथ बैलेंसिंग के लिए। हम इधर 2 यूनिट अमोनिया के यूज करेंगे, और फिर जब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट Br यहां से अमोनिया के साथ मिलकर बनाएगी NH4 Br, और जो रिमेनिंग हमारे पास NH2 ग्रुप रह जाएगा यहां पे वो यहां से आ जाएगा, इधर अटैच होगा और बनेगा CH3 CH NH2 COOH, एंड दैट इज एलानीन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड दैट इज अल्फा अमाइनो एसिड। नेक्स्ट व्यूअर्स, जो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस का हमारे पास रिएक्शन है दैट इज स्ट्रेकर सिंथेसिस। तो स्ट्रेकर सिंथेसिस में व्यूअर्स हम क्या करते हैं कि हम एल्डिहाइड्स लेते हैं लाइक CH3CHO, और इसको हमने रिएक्ट करवाना है HCN के साथ और साथ में अमोनिया के साथ। व्यूअर्स यार हम इनको ऐड करवाएंगे तो यहां पे हमारे पास जो इनिशियल प्रोडक्ट बनेगी डेट वुड बी CH3 CH NH2 CN, और साथ में जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बनेगी यहां पे डेट वुड बी H2O। अब व्यूअर्स हम इस ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है CH3 CH CN NH2, इसकी करवाएंगे हम एसिड हाइड्रोलिसिस, और एसिड हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो नाइट्राइल ग्रुप है यहां पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और हमारे पास प्रोडक्ट आएगी CH3 CH COOH NH2, एंड दिस इज ओवर एलानीन और अल्फा अमाइनो एसिड। तो व्यूअर्स ये मेथड थे अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के। अब हम देख लेते हैं अमाइनो एसिड के रिएक्शंस। तो व्यूअर्स रिएक्शंस में सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास यहां पे मेंशन है दैट इज एस्टेरिफिकेशन। व्यूअर्स एस्टेरिफिकेशन में हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास एस्टर्स बनते हैं। तो यहां पे भी इसी तरह से रिएक्शन होगा कि हम सपोज करते हैं ये हमारे पास है एक अमाइनो एसिड दैट इज एलानीन, और इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं लाइक मिथाइल अल्कोहल से, और इसकी जो कंडीशन है हमारे पास वो होनी चाहिए स्ट्रोंग एसिड, यानी एसिडिक कंडीशन में हम रिएक्ट करवाएंगे। और जब व्यूअर्स इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी CH3
CH NH2 COO CH3 और साथ में हमारे पास बनेगा H2O। तो व्यूअर्स ये है हमारे पास एस्टर। इसके बाद नेक्स्ट जो व्यूअर्स हमारे पास रिएक्शन है अमाइनो एसिड का वो है विद नाइट्रस एसिड्स। तो नाइट्रस एसिड्स के साथ भी हम इसी तरह से बना लेते हैं अमाइनो एसिड सी एच थ्री सी एच एन एच टू सी डबल ओ एच और इसको हम व्यूअर्स जो कंडीशंस हमने रखनी है नाइट्रस एसिड जो हमें प्रोड्यूस करके देंगे उसमें है HCl एंड NaNO2। वैसे इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगी CH3CHOH COOH और साथ में रिलीज होगा यहां पे अपन नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। तो व्यूअर्स ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है डेट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद व्यूअर्स जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है अमाइनो एसिड का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड दैट इज प्रोटीन फॉर्मेशन। व्हेन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं कि दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑफ प्रोटीन्स। तो ये किस तरह से अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं कंडेंस होते हैं टू फॉर्म प्रोटीन्स उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स हैं हम उनके जनरल फार्मूला बनाते हैं लाइक NH2CHRCOOH और इसी तरह से इसको रिएक्ट करवाते हैं एक और अमाइनो एसिड के साथ उसका भी जनरल फार्मूला हम इधर बना देते हैं लाइक NH2 को व्यूअर्स मैं इस तरह से लिख रहा हूं NH H C H R C O O H। तो व्यूअर्स ये दोनों अमाइनो एसिड्स आपस में कंडेंस होंगे अटैच होंगे विद द रिमूवल ऑफ H2O और यहां पे इनकी जो कंडेंसेशन है वो होगी कि ये OH जो ग्रुप है एक अमाइनो एसिड का इट अटैचेस विद H ऑफ अदर अमाइनो एसिड एंड रिमूव्स H2O और बाकी जो हमारे पास बचेगा उसको हम मिला के लिख लेते हैं तो डेट वुड बी NH2 CH R CO NH CH R COO H। फिर यहां पे ये जो पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पे हम देखेंगे कि जब भी अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं तो दे अटैच विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और ये जो अब हमारे पास यूनिट बना है पूरा एक इसको हम नाम दे सकते हैं डाइपेप्टाइड। सो दिस इज अ डाइपेप्टाइड यूनिट। अब व्यूअर्स इस तरह से अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते रहते हैं और अटैच होके लॉन्ग चेन्स बनाते रहते हैं जैसे कि यहां बना डाइपेप्टाइड इसी तरह से एक और अमाइनो एसिड आएगा तो ट्राइपेप्टाइड और अगर और अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते रहे तो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। तो हम एक पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के अंदर किस तरह से हम डिस्टिंक्शन करते हैं हम कहते हैं कि इफ मैस ऑफ पेप्टाइड चेन इज इक्वल टू 10,000 AMU, it is called polypeptide and if it is more than 10,000 AMU, then we regard it as protein molecule. तो व्यूअर्स अमाइनो एसिड कंबाइन एंड फॉर्म proteins. That is why we call them as building blocks of proteins. इसके बाद व्यूअर्स
इस लेक्चर के बाद हम लास्ट पॉइंट ये देख लेते हैं कि अगर हमने अमाइनो एसिड्स को टेस्ट करना हो, उनकी प्रेजेंस को देखना हो, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पे हम मेंशन करते हैं, अब टेस्ट फॉर अमाइनो एसिड्स, और यहां पे जो टेस्ट हम अमाइनो एसिड का पढ़ेंगे दैट इज नेन हाइड्रिन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है उसके अंदर हम ऐड करते हैं नीन हाइड्रिन, और उसको ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, इंटेंस ब्लूइश कलर। और इस इंटेंस ब्लूइश कलर से हमें क्या होता है, हमें पता लग जाता है अबाउट कंफर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। व्यूअर्स, ये टेस्ट यूजली यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड इन पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो हम इधर कहेंगे कि मोस्टली यूज टू विजुअलाइज अमाइनो एसिड्स सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जिसमें हमने सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी किया आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।